रेड लाइट एरिया चतुर्भुज थान मोहल्ले में जिस पुलिस को देखते ही बच्चे भाग जाते थे, आज वही बच्चे भाग भाग कर पुलिस पाठशाला में आ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं शहर के रेड लाइट एरिया की। इस इलाके में वंचित समाज के बच्चे ढंग से पढ़ लिख नहीं पाते थे, लेकिन आज वे भी दो दूनी चार पढ़ रहे हैं। यह सब मुमकिन हुआ है मुजफ्फरपुर पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा खातून की बदौलत। शहर के रेड लाइट एरिया के वंचित समाज के बच्चों के बीच शिक्षा की दीप मुजफ्फरपुर की पुलिस की विशेष पहल पर शुरू की गई है। शहर की कन्हौली टीओपी में बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ पाठशाला खोली गई है, ताकि रेड लाइट एरिया के बच्चों के बीच भी शिक्षा की अलग जगी रहे। स्कूल में छुट्टी के बाद दोपहर में टीओपी के अंदर बच्चों का मुफ्त में क्लास चल रहा है। टेंट के नीचे चल रहे इस पुलिस पाठशाला में पूरी क्लासरूम की तरह व्यवस्था की गई है। इसमें पहली से लेकर आठवीं क्लास के 25 बच्चों की क्लास दी जा रही है। अभी करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं। इसे पुलिस पाठशाला का नाम दिया गया है। इस पाठशाला में पुलिस कर्मी अलग स्कूल के टीचर भी क्लास लेते हैं। पढ़ने के लिए पेन पेंसिल समेत अन्य सामान भी पुलिस अंकल के द्वारा दिया जा रहा है, ताकि बच्चों के बीच पढ़ाई होती रहे। कन्हौली थाने पर शुरू हुई यह पुलिस पाठशाला शहर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। शहरवासी भी जिला पुलिस की इस पहल को काफी सराह रहे हैं। बच्चों में भी पाठशाला में शामिल होने की काफी उत्सुकता दिख रही है। प्रतिदिन क्लास में बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हम लोग कन्हौली टीओपी के पास में चतुर्भुज स्थान पे जितने भी रेड लाइट एरिया के कुछ बच्चे हैं, उनको हम लोग बुला करके और स्कूल की टाइमिंग के बाद में क्लासेस उनकी चलाई जाती हैं। यहाँ पर वहीं की एक सोशल वर्कर है नसीमा खातून, वो उन्होंने इसकी पहल की और वो इसको लीड कर रही हैं। हम लोग का मेन काम रहता है कि हम लोग जाकर के उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं और बीच बीच में जाकर के क्लासेस लेते हैं, फिर उनको मोटिवेट उनको करते हैं। उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुरिया स्कूल के सावन पांडे जी हैं, उन्होंने प्रोवाइड किया। और हम लोग की कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में भी मुजफ्फरपुर टाउन के जितने भी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनको हम लोग मोबिलाइज करें और बाकी सोशल वर्कर्स को मोबिलाइज करें, ताकि वहाँ पर एक अच्छी पहल हो सके और इसको हम लोग स्केल अप कर सकें। हाँ, वो हमें लग रहा है कि काफ़ी हद तक चेंज हुई भी है। बच्चे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेते हैं और वो जब घर पे जाते हैं तो उनकी मदर या फिर उनकी फैमिली भी अच्छी इस बात करती हैं कि बेटा आज आपने पुलिस अंकल से क्या बात की, किस तरह से बात की। तो मेरे को लग रहा है एक पॉजिटिव वो है और आगे भी इसके जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग काफ़ी समय से इस इलाके में काम कर रहे हैं और ये जगह उस समय खाली पड़ा था, काफ़ी समय से बंद चल रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पे टीओपी चालू कर दिया गया है। तो ये जो जगह है, ये एक ऐसा जगह है, इस रेड लाइट एरिया का पूरे इलाके में देखा जाए तो एक सार्वजनिक जगह भी है और ये जगह का उपयोग भी किया जा सकता है। ऐसा सोच के हम लोगों को लगा कि क्यों ना कुछ ऐसी पहल हो जो इस चौकी के साथ साथ पुलिस के साथ एक ऐसा संबंध बिल्ड हो इस इलाके के बच्चों का, लोगों का, जो एक डर से पड़े हो, मतलब जो एक भय है इस इलाके में कि पुलिस वाले हैं हमें उठा के ले जाएंगे या हमें परेशान करेंगे, वो ख़त्म हो और एक साझा मंच तैयार हो। इस पहल में हम लोग के पैरवी पे जब बातचीत शुरू हुई तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एसपी साहब ने ये अपना रुझान दिखाया और एसपी साहब के नेतृत्व में हमने ये पहल शुरू की है। और अभी दिवाली के दूसरे दिन से हम लोगों ने इस प्रक्रिया को शुरू की। पहले शुरू में तो एक दो बच्चे आए डर डर के, बाकी बच्चे नहीं आए, लेकिन अब कंटिन्यू 25 बच्चे हैं और ये सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चला रहे हैं। लेकिन अब स्कूल ओपन हो गया है, छुट्टियां ख़त्म हो गई है, तो हम लोग इसको इवनिंग में कन्वर्ट करेंगे और स्पेशल क्लासेस करेंगे, जिसमें अलग अलग लोग आके यहाँ बच्चों के बारे में बात करें, बच्चों से बात करें, जैसे सोलर सिस्टम क्या है, डॉक्टर क्या कैसे काम करता है। जैसे पहले फर्स्ट दिन जब बच्चे यहाँ आए तो उन्होंने एक पुलिस वाले से पूछा कि क्या आप भी कखा कखा पढ़ के ही पुलिस बने हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों का। और फर्स्ट टाइम मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि फर्स्ट टाइम पूरे भारत में इस तरह का पहल पुलिस प्रशासन ने नहीं किया, जो हमारे मुजफ्फरपुर जिला के प्रशासन कर रहे हैं। और हम पूरे इलाके की तरफ से उनको दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस पहल को एक्सेप्ट किया और हमें ये जगह मुहैया कराया, ताकि हम लोग ये एक्टिविटी कर सकें।
छवि भी कहीं ना कहीं पुलिस की चेंज हुई है इलाके ये बहुत बहुत बड़ी छवि। कल परसों जब मानव अधिकार हम मना रहे थे दिवस, तो बच्चों से जब एएसपी साहब रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि पहले हमें डर लगता था आपसे, तो उन्होंने कहा क्यों डर लगता था, तो हमें लगता था कि पुलिस वाले हम बच्चों को देखेंगे तो पकड़ के ले जाएंगे, तो बोले क्यों तुमको पकड़ के ले जाएंगे, तो नहीं हमें डर लगता था कि आपको देखते कि भाई पुलिस वाले हैं तो हमें उठा के ले जाएंगे, हमें किडनैप कर लेंगे, इस तरह के मन में डर था तो हम सामने नहीं आते थे। बोले अब नहीं लगता है डर, क्योंकि आप हमें चॉकलेट देते हो, आप हमें नोटबुक पेन देते हो, हमसे बातें करते हो, तो जो बातचीत का जो माध्यम है ना पुलिस के साथ जो संवाद है वो ज़्यादातर आप देखने को मिलेगा कि पुलिस का संवाद ज़्यादातर क्राइम से जुड़े हुए लोगों का या बड़े लोगों से या नेता लोगों से होता है, बच्चों के साथ बहुत कम होता है। ये फर्स्ट टाइम बच्चों के साथ जो ये प्रक्रिया चलाई जा रही है ये बहुत ही खूबसूरत है, जिससे उनकी छवि भी अच्छी हो रही है और कहीं ना कहीं वो भी तो एक इंसान ही है ना, वो भी हमारे उसी बचपन से निकल के गए हैं, तो वो एक बचपन को बचपन के साथ जोड़ने का जो मुहिम है वो बहुत ही खूबसूरत है। दिस न्यूज़ इज़ ब्रॉट यू बाई हिमालयन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल।